अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आज हम आपके सामने, देखिए ये वो क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आप गौर से देखिए, जिसका क्वेश्चन नहीं है वो बुक देख ले, ये क्वेश्चन है, कराची बोर्ड की बुक है, इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर, मैं आपको 6 करवाना दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये रूट 15 है और नीचे रूट 5 है। हमें रूल पता है कि दोनों को भी रूट के अंदर लिख सकते हैं, 5 3 15, तो रूट 3 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 को, 18/√18, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिनोमिनेटर के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 18, तो क्या 18/√18 मल्टीप्लाई बाय √18 डिवाइडेड बाय √18, इन दोनों को आपस में कर देंगे तो ये आ जाएगा 18/√18। और ये यहाँ पर देखें, दोनों 18/18 दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब यहाँ से देखें 18/√18 डिवाइडेड बाय ये 18/2 रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 18/√18/18, दिस विल कैंसिल द √18 इज आंसर। और सिंपल सी चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, बस रूल को फॉलो करना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 9 देखें, 28/√7। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे, ये देखें, इसको 2 बाहर ही रहेगा, 28/7 इसका कर देते हैं, 7 4 28, तो 2 बाहर ही है, तो इसको 2/2 लिख सकते हैं, कैंसिल हो के 2 × 2 4। और सिंपल सी चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। इसका एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको 11 करके दिखा रहा हूँ, √8 5 − 2√8। अब देखें, इसमें √8 दोनों में कॉमन आ सकता है, वह निकाल दिया, 5 − 2, दैट मीन 3√8, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसका 12 क्वेश्चन देखें, यह 34√23 + 38√23। अब ये दोनों में देखें, 23 कॉमन आ सकता है, 23 कॉमन, या 34 + 38, जब ये निकल गया तो ये बचा, ये निकल गया तो ये बचा, इनको ऐड कर देंगे, सेवेंटी टू, या फिर हम इसको लिख देंगे 72√23। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने सिंप्लीफाई बहुत ईजीली कर लिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक आप इनकी कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल चीज़ें सिंपल सीखना सीखें, शुरू करें, डू प्रैक्टिस एट होम, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास पहले पहुँच जाए। आप लाइक का बटन प्रेस करना कभी मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।